ओके तो इस वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप एक डीजी यानी कि डिजायर जनरेटर भी जिसे बोला जाता है उसे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डिस्प्ले है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना फ्यूल बचा है और कितना एम्पियर किस लाइन ले रहा है। और यहाँ देखिए जो चार वायर यहाँ से निकला है वो आर फेज, वाई फेज और ब्लू फेज का और एक न्यूट्रल निकला है। फिलहाल अभी कलर कोड पे नहीं है लेकिन हम यह एक नया केबल कनेक्ट कर चुके हैं। तो अभी चलिए देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। ये दो डोर है उसका अंदर चल के देखिए क्या है उसके अंदर। देखिए उसका अंदर जनरेटर है नॉर्मली, और जनरेटर का काम क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये देखिए यहाँ पे डीजल डाला जाता है और डीजी का और हमारा गाड़ी में जो डीजल यूज होता है उससे बहुत डिफरेंस है, लेकिन फ़िलहाल हम तो गाड़ी में जो डीजल यूज़ करते हैं उसे ही हम डीजी में यूज़ करते हैं। लेकिन डीजी का जो डीजल है वो अलग है क्योंकि वो एयर पोल्यूशन कम क्रिएट करता है। और यहाँ पर देखिए नेम प्लेट को देखिए, नेम प्लेट अगर आप देखेंगे तो ये 82.5 केवीए का है। केवीए मतलब कि किलो वोल्ट पर एम्पीयर, और उसका पावर फैक्टर 0.8 और वोल्टेज उसका 415 वोल्टेज है। यहाँ देखिए दो रॉड हमने अर्थिंग के लिए दिए हैं। और आगे चलिए यहाँ पर देखिए ये आउटपुट का चार वायर है, फेज न्यूट्रल, तीनों फेज और एक न्यूट्रल। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे इंजन है और एक बैटरी है। ये जो इंजन है वो हमारा जनरेटर का इंजन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक इंडिकेटर दिया हुआ है जिससे आप जान सकते हैं आपका फ्यूल कितना बचा है। और रेड, येलो और ब्लू ग्रीन करके इंडिकेटर दिया है, तीन साइन। इस वाली स्विच से आप लोग सब कुछ देख सकते हैं। पहले इसको ऑन कर लीजिए ये स्विच नीचे करके। यहाँ पे देखिए डीजी का स्पेसिफिकेशन दिखा रहा है, ये मैनुअल डीजी, और डीजी फिलहाल अभी ऑफ है इसलिए ऑफ दिखा रहा है। तो ये रहा स्टॉप और रिसेट का बटन, ये रहा स्टार्ट और सिलेक्ट का, और ये ऑटो मैनुअल का। यहाँ पे देखिए अलार्म के लिए एक इंडिकेटर दिया है। और यहाँ पे आप नीचे अगर इस वाली स्विच को यूज करके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, वोल्टेज कितना है, करंट कितना है और कितना फ्यूल बचा है। देखिए लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री का करंट कितना है, मेन वोल्टेज कितना है, डीजी का वोल्टेज कितना है, ये सब आप जान पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो मकसद है देखेंगे कि ऑयल कितना बचा है और हमारा अभी तक कितना रन हुआ है। तो नीचे जाइए, देखिए नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पावर काउंट कर रहा है। देखिए ऊपर थोड़ा ऊपर जाइए, देखिए यहाँ पे देखिए इंजन का स्पीड बता रहा है कितना आरपीएम। फिलहाल अभी बंद है इसलिए जीरो दिखा रहा है, चलेगा तभी आपको दिखाएगा। देखिए इंजन का रन टाइम देखिए अभी तक का 441 घंटा 38 मिनट ये रन हो चुका है। नंबर ऑफ स्टार्ट्स 210 और बैटरी का वोल्टेज तो दिखा है आपने। तो नीचे जाइए, हमको ऑयल कितना है दिखना है। देखिए बैलेंस फ्यूल अभी भी 32% यानी कि 40 लीटर तेल अभी भी इसमें है डीजल। तो यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं, डेट और टाइम भी देख सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है इसमें। देखिए डीजी को ऑन करने के लिए पहले आपको इस वाली स्विच को ऑन करना है ताकि डिस्प्ले ऑन हो, उसके बाद ग्रीन बटन को प्रेस करना है, उसके बाद डीजी जब स्टार्ट हो जाएगा ये वाला एनसीबी को ऑन कर देना है, उसके बाद हमारा करंट जो हो इस वाली वायर पे आ जाएगा, यहाँ से हमारा चेंजेबर तक चला जाएगा। यहाँ देखिए आपको चार वायर दिखा दे रहा होगा, यहाँ फिलहाल अभी कलर कोड पे नहीं है लेकिन एक आर, एक वाई और एक ब्लू फेज है और एक न्यूट्रल है, और एक है अर्थिंग के लिए, वो पतला वाला तार जो दिख रहा है वो अर्थिंग के लिए। ठीक है, अभी जाते हैं हम चेंजेबर कैसे कनेक्ट करते हैं, चेंजेबर को कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं वो देखते हैं। देखिए ये वाला जो केबल यहाँ पड़ा है ये हमारा डीजी का आउटगोइंग सप्लाई और हमारा चेंजेबर के लिए इनपुट सप्लाई होगा। ठीक है, इसका अगर हम स्पेसिफिकेशन देखें तो ये है हमारा 4 कोर का, आप देख सकते हैं 3 फेज और एक न्यूट्रल है। और ये जो वायर है पर कोर 10 स्क्वायर एमएम का है,
और ये केबल जो है पॉलीकैब कंपनी का, ठीक है। अभी हम इसको कवर निकालेंगे और चेंजओवर में सेट करेंगे। मतलब ये है हमारा चेंजओवर, और चेंजओवर के हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हमारा 100 एम्पियर और 415 यानी कि 415 वोल्ट का है एसी सप्लाई। और उसका अंदर हम देखें तो इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा, ठीक है। अभी हम सेट करेंगे। अभी हमारा सामान जो है हम नीचे इसके अंदर रख दिए थे, ठीक है। और तो वीडियो को देखते रहना। अभी आपको चेंजओवर में आपको बताएंगे कि चेंजओवर यहाँ से हम देखिए इस साइड हम देंगे इनपुट देंगे, यानी कि जो डीजी से जो आउटपुट निकला होगा वो हम इस साइड कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और हमारा जो हम मीटर के लिए जो इनपुट लेंगे वो हम इस साइड लेंगे। अभी आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे तो कितने सारे पॉइंट है, हम जो डीजी से वायर लाएंगे जो सप्लाई लाएंगे वो कहाँ सेट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा आर फेज के लिए, ये दोनों का दोनों आर फेज के लिए, और ये दोनों हमारा वाई फेज के लिए, और ये दोनों हमारा ब्लू फेज के लिए, और ये न्यूट्रल के लिए। लेकिन आपको यहाँ से ध्यान देना चाहिए, आपको सभी जिस साइड तार वायर हम कनेक्टेड करेंगे वो हमेशा लेफ़्ट साइड ही करना, ठीक है। लेफ़्ट साइड में क्यों बोल रहा हूँ कि लेफ़्ट साइड में देखिए हमारा जो लेफ़्ट साइड है आपको अच्छे से दिखाते हैं। ये देखिए ये वाला साइड जो है ये है ना ओपन सर्किट है, यानी कि इसमें करंट आएगा कहीं पर जा नहीं पाएगा। अगर हम इसको क्लोज सर्किट बनाएंगे, अगर हम इसको दबाएंगे तभी ये देखिए तभी ये क्लोज सर्किट बनेगा और यहाँ से करंट यहाँ तक आएगा, ठीक है। अगर हम फेज सप्लाई को यहाँ कनेक्टेड कर देंगे तो फिर इसका मतलब ही कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए एक स्ट्रट लगा हुआ है वो डायरेक्टली आउटपुट को कनेक्टेड हुआ है, इसीलिए हम यहाँ कनेक्टेड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाएगा। तो फिर हम चेंजओवर क्यों यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम लेफ्ट साइड कनेक्ट करेंगे ताकि हम जब चेंजओवर को क्लोज सर्किट में कन्वर्ट करें तभी करंट इनपुट से आउटपुट तक जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम वाई फेज का और ब्लू फेज का और न्यूट्रल का भी लेफ्ट साइड ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम हमारा आउटपुट के साइड देखें तो वहाँ भी दो कनेक्ट करने के लिए है, ये आर फेज के लिए दो और ये वाई फेज के लिए दो और ये ब्लू फेज के लिए दो और ये न्यूट्रल के लिए दो दिए हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि हम मीटर के लिए कौन सा दें और जो इनपुट के लिए कौन सा दें और आउटपुट के लिए कौन सा दें। देखिए आपको जब मीटर का इनपुट लेना है तो आप यहाँ से लीजिएगा, ठीक है। मीटर का इनपुट यानी कि आपका जो ट्रांसफर से जो मेन लाइन आया होगा वो नहीं, मीटर के लिए जो इनपुट आप लेंगे यहाँ से लेंगे, क्योंकि ये वाला जो है डायरेक्ट कनेक्टेड हुआ है। अगर हम डीजी से कनेक्टेड करेंगे डीजी का करंट भी मीटर को जाएगा। अगर हम ये वाला स्ट्रट को यहाँ घुमा देंगे तो इससे ये कनेक्टेड हो जाएगा, ओपन क्लोज सर्किट हो जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यानी कि मेन सप्लाई से हमारा मीटर तक करंट जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि आपको जो मेन सप्लाई है वो जहाँ ओपन होगा वहाँ देना है। देखिए ये वाला जो है ये ओपन है, किसी से भी कनेक्टेड नहीं हुआ है, तो इसीलिए मेन सप्लाई जो हमारा आएगा ट्रांसफार्मर से वो हम यहाँ सेट करेंगे, और हमारा जो डीजी का है जो हम डीजी का करंट लाएंगे वो हम यहाँ सेट करेंगे जिस वाला पॉइंट हमारा ओपन होगा। अभी देखिए हमारा डीजी का जो हम तार लाए थे केबल लाए थे डीजी का आउटपुट से वो हम चेंजओवर का इनपुट से कनेक्ट कर चुके हैं। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो हम चेंजओवर देखिए ये है आर फेज और ये वाई फेज और ये ब्लू फेज और ये न्यूट्रल का आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक वायर क्यों नहीं है, ये नया वाला तार है इसमें येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन का आता है। तो इस तरह से हमने तीनों फेज और एक न्यूट्रल को कनेक्ट कर चुके हैं। अभी हम कनेक्ट करेंगे हमारा इनपुट के लिए मीटर का इनपुट और हमारा पावर सप्लाई का आउटपुट, ठीक है। अभी देखिए ये वाला जो है ओपन है क्योंकि हमारा डीजी का करंट आके यहाँ रहेगा लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, जब यहाँ पहुँचेगा तभी तो यहाँ पहुँचेगा, इसीलिए हम चेंजओवर यूज़ कर रहे हैं। चेंजओवर का अगर हम
क्लोज करेंगे। देखिए अभी हमारा सर्किट क्या है, अभी हमारा सर्किट क्लोज हो गया है, करंट आके यहाँ पहुँचेगा और यहाँ से इधर ये स्टार देके यहाँ तक आएगा, यहाँ से नीचे वाला स्टार देके आउटपुट तक चला जाएगा और यहीं से हम मीटर का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, मीटर के लिए अभी देखिए ये जो चार वायर हम लाए हैं ये हमारा डायरेक्ट हमारा ट्रांसफार्मर से आया है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट से। फिलहाल अभी इसमें करंट नहीं है क्योंकि हमने काट दिए हैं, क्योंकि कनेक्शन करना है इसलिए करंट काट दिए हैं, लेकिन ये जो है हमारा ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट आया है। ठीक है, इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ, और कहाँ कनेक्ट करेंगे, जहाँ सर्किट ओपन होगा वहीं से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये रेड फेज यहाँ लगाएंगे और ये वाई फेज यहाँ लगाएंगे क्योंकि ये वाला ओपन है। ठीक है, यहाँ लगाएंगे और ब्लू फेज यहाँ लगाएंगे और हमारा न्यूट्रल यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अभी कनेक्शन करते हैं। अभी देखिए ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट था थ्री फेज कनेक्शन का और थ्री फेज वायर और एक न्यूट्रल का, हम उसको चेंजर का आउटपुट में कनेक्टेड कर चुके हैं। तो अभी देखिए हमारा पूरा का पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए ये जो लेफ्ट साइड में जो भी लगा है फेज वायर और अर्थिंग, ये हमारा डायरेक्ट आया है ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर से ये आर फेज, ये वाई फेज और ये ब्लू फेज आया है, और ये जो आर फेज और वाई फेज, ब्लू फेज और न्यूट्रल, ये हमने हमारा मीटर के लिए लिए हैं। मीटर से जो इनपुट लगेगा ये इसी से लगेगा। ठीक, मान लीजिए कि अभी हमारा ट्रांसफार्मर में लाइन है तो अभी हमको ज़रूरत नहीं है डीजी का, तो हम क्या करेंगे। देखिए अभी क्या है कि अभी चेंजेबल जो है ओपन है, किसी भी कनेक्टर से ये नहीं कनेक्ट हुआ है, ना कि डीजी से ना कि ट्रांसफार्मर से, ये फ़िलहाल अभी ओपन है। इस साइड हम तुमको दिखा देते हैं क्लियर से। देखिए ये फ़िलहाल अभी ओपन है, अगर हमको ट्रांसफार्मर से लाइन चाहिए तो हम डीजी को ट्रांसफार्मर का जो साइड यहाँ लगा है उस साइड हम कनेक्ट कर देंगे। देखिए ये अभी क्या है कि अभी ट्रांसफार्मर का हमारा फेज यहाँ आया था, ये फेज देखिए यहाँ एक स्टार लगा हुआ है, इससे यहाँ तक चला जाएगा और ये हमारा घर को करंट देगा, मीटर तक करंट चला जाएगा। मान लीजिए कि हमारा ट्रांसफार्मर से अभी लाइन कट गया तो हमें डीजी से कनेक्ट करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि चेंजओवर का चेंज कर लेंगे डीजी के साइड। ठीक है, अभी देखिए हम उसको डीजी के साइड कनेक्ट कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर का करंट था, ये अभी इससे कनेक्टेड नहीं है, ये ओपन सर्किट हो गया, और डीजी का करंट हम यहाँ लाएंगे, यहाँ डीजी का करंट यहाँ आके यहाँ ये इस स्टार से पास होके यहाँ कनेक्टेड हो जाएगा और यहाँ सप्लाई कहाँ जाएगा, ये हमारे मीटर का जो इनपुट दिए हैं। ठीक है, ये इस स्टार से मीटर का इनपुट तक चला जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन चेंज योर चेंजेबल एज पर योर रिक्वायरमेंट, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।